कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा है कि केंद्र में 2019 में उनकी पार्टी की सरकार आने पर जीएसटी में व्यापक बदलाव किए जाएंगे ताकि व्यापारियों, ग्राहकों और अन्य तबकों को राहत दी जा सके। राहुल ने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पर्वतीय राज्य में भ्रष्टाचार का स्तर अन्य राज्यों से कम है। विकास के मापदंडों पर हिमाचल प्रदेश भाजपा शासित गुजरात से कहीं बेहतर है। उन्होंने मोदी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनिंदा तरीके से बोलते हुए आरोप लगाते हुए पूछा कि भाजपा ने जिन रोजगारों का वादा किया था वे कहाँ हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने कभी व्यापम घोटाले की बात नहीं की, ललित मोदी घोटाले या अन्य किसी मामले की बात उन्होंने नहीं की जो भाजपा शासित राज्यों के सामने आए हैं। हिमाचल के पोटा साहिब, चंबा और नरगोटा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हम 2019 में सत्ता में आने पर जीएसटी में पूरी तरह से बदलाव करेंगे ताकि इससे प्रभावित हुई जनता को परेशानियों में कमी आए। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी को एक साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन का उद्देश्य छोटे कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों की दुर्दशा को उजागर करना है जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। चीन के साथ तुलना करते हुए राहुल ने कहा कि वह हर 24 घंटे में 50,000 रोजगारों को रोजगार देता है, वहीं मोदी सरकार केवल 450 लोगों को रोजगार देती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रमुख जिम्मेदारी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार निर्माण करना है, लेकिन वह यह नहीं कर रहे हैं और उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को बताना चाहिए कि इस प्रक्रिया में काला धन आखिर कहाँ मिला और कहाँ है।